कभी कभी साफ चीजें भी नजरों को खटकने लगती हैं। प्राची की छवि भी कुछ ऐसी थी। भोटके को लग रहा था कि प्राची का असली चेहरा कुछ और ही है। इस अनुमान को यकीन में बदलने के लिए भोटके ने एक गेम खेलने की परमिशन ली थी, लेकिन क्या भोटके की हरकतें उस हद को पार नहीं करने लगी थी? स्टॉकर एक पुलिस इंस्पेक्टर है, ये जानने के बाद भी क्या प्राची चुप बैठने वाली थी? सर, भोटके, ये मैं क्या सुन रहा? क्या हुआ सर? तुम इन्हें स्टॉक कर रहे हो, इनका जीना मुश्किल कर दिया। एक पुलिस ऑफिसर होकर तुम ऐसी घटिया हरकत कैसे कर सकते हो? सर, मैंने कुछ नहीं किया है। एक्चुअली सर, ये औरत झूठ बोल रही है। ये औरत पागल है। इसका हस्बैंड पहले से मर चुका है, बट इसे लगता है कि अभी तक वो जिंदा है और विदेश में है, जबकि सच ये है कि वो विदेश गया ही नहीं है। और अगर विदेश में है तो ट्रेस क्यों नहीं हो रहा है? पूछिए इनसे। एक्चुअली सर, मुझे लगता है अगर वो सच में जिंदा है तो वो खुद इसके साथ कोई खेल खेल रहा है, या तो ये दोनों मिलके हमारे साथ कोई खेल खेल रहे हैं। सर, पहले मेरे पति ने मेरी जिंदगी का मजाक बनाया और अब ये बना रहे। पता नहीं ये मुझसे क्या चाहते हैं सर। भोटके, सर यू आर सस्पेंडेड। और मिसेस कपूर, अभी आप घर जाइए, कोई भी परेशानी हो तो हमें बताइए। जी। नमस्ते सर। नमस्ते। बैठिए सर। हम अपने बेटे की गायब होने की कंप्लेंट वापस लेना चाहते हैं। क्यों सर? हमें हमारा बेटा वापस मिल गया है। उसने अमृतसर से हमें 40,000 रुपये भेजे और ये मैसेज भेजा है, इसलिए हमने सोचा कि कंप्लेंट वापस ले लें। आपको तकलीफ क्यों दें? ठीक है, मम्मी पापा रहने दो। चलिए, आप लोग बहुत दिन से घर नहीं आए हैं, चलिए घर चलते हैं। नहीं बेटा, फिर कभी। आज रात को हमारी दिल्ली की फ्लाइट है। तो ठीक है, कुछ देर तक आराम कर लीजिए, फिर मैं आप लोग को एयरपोर्ट छोड़ दूंगी। चलिए। ओके। पापा, आप लोग पुलिस स्टेशन क्यों गए? मुझे पता है आनंद मेरे साथ कोई खेल खेल रहे हैं, पर कोई बात नहीं, मैं झेल लूंगी। बहू, ये सब छोड़ो, ये बताओ कि आनंद का कॉल आया कि नहीं? वो मुझे क्यों कॉल करेंगे, वो तो मजे में है उसके साथ। ये सब बातें भूल जाओ, आनंद का मनी ऑर्डर आया है, उसने बोला कि वो आएगा। तो आने दो उसे, उठक बैठक करवा के तुमसे माफी मंगवाऊंगा, हो सके तो हमें माफ कर देना। पापा आप छोड़िए ना इन सारी बातों को। अच्छा पापा, वो जय आप लोगों से मिलना चाह रहा था, वो आएगा तो आप लोगों का भी मन लगा रहेगा। कॉल करती हूँ उसे। मेरी फोन की बैटरी डेड है, आप अपना फोन दीजिए ना। हेलो जय। हाँ, वो मम्मी पापा आए हैं, तुमसे मिलना चाह रहे थे, आज की फ्लाइट से दिल्ली जा रहे हैं। ओके जय, 20 मिनट में आ रहा है, तब तक आप लोग आराम कीजिए ना, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं आती हूँ। पोहे में थोड़ा सा वटान डालना चाहिए। आ गया, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कब शादी? नंबर रखो। तू मेरे घर में क्या कर रही है? क्यों, बिन बुलाए सिर्फ तुम आ सकते हो मेरे घर?
मैं नहीं आ सकती? मुझे लगा तुम अपनी मैना को मिस कर रहे हो, इसीलिए मैं आ गई। और वैसे भी तुमसे भला कोई भाग पाया क्या? अब मैं यही रहूंगी, क्योंकि तुमसे बेटर प्रोटेक्ट तो मुझे कोई नहीं कर सकता। रहे उससे गेम मत खेल, बहुत महंगा पड़ेगा तेरे को। निकल। आपसे ये उम्मीद नहीं थी, बहुत गलत हो रहा है इस लड़के के साथ में। आप तो पुलिस में है ना, क्या कर रहे हैं आप? आप समझाते क्यों नहीं इसके पति को? आपका तो दोस्त है ना वो। अब अच्छा मीनाक्षी बहन, अब मैं चलती हूँ। अरे चाय तो पीती जाओ। नहीं, किसी और दिन। समझाएंगे ना? हाँ। भोटके को एक बड़ा झटका लगा था, उसे प्राची से ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। प्राची ने पहले तो उसे सस्पेंड करवा दिया और फिर उसके घर में ही सेंध लगा दी। क्या प्राची ने वाकई सर पर कफन बांध लिया था कि अब इस पार या उस पार? अगर ये बिसात भोटके की थी तो प्राची ने अपनी चाल से उसे शह दे दी थी, अब सिर्फ मात बाकी थी। तो फिर तैयारी हो गई जाने की? चलिए प्राची के हाथी चलते। अरे प्राची कैसी हो? ठीक हूँ। ओके बेटा अब हम चलते, नहीं तो फ्लाइट मिस हो जाएगी। हाँ मैं कैब बुला लेती हूँ। अरे नहीं रहने दो, मैं छोड़ देता हूँ। ओके ओके बेटा, थैंक यू। हम फ्रेश होके आते हैं। ठीक है अंकल। कैसी हो? वो पुलिस वाला हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गया, पता नहीं उसे क्या चाहिए। तुम एक काम क्यों नहीं करती, कुछ दिनों के लिए इंडिया के बाहर चली जाओ। आइडिया पूरा नहीं है। देखो मेरा एक बंदा है, वो हमें बहुत अच्छी डील दे सकता है, तुम्हारा वीजा टिकट वगैरह सब करवा देगा। तुम बस अपना पासपोर्ट उसको दे दो और 2-3 दिन में निकल जाओ। ओके बेटा चले। चलिए चला गया। हाँ रखते। एक गिलास पानी। हाँ लेकर आई। सुनिए ये आपका कुरियर आया था, सॉरी मैं आपको बताना भूल गई। मैं बाहर नहीं जा सकी तो क्या, आप हो आइए, सिर्फ मेरे पति की तरह गायब मत हो जाइएगा। I will miss you. मेरा मोबाइल देना। कभी नहीं मेरे साथ गेम खेल रही है, वो तो गलत आदमी से पंगा ले रही है। क्या गेम ओवर? सुनिए बैंक से मैसेज आया है, 5 लाख रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं। मीनाक्षी तुम पागल हो, 5,000 होंगे। खुद ही देख लो। 5 लाख? बड़ी कमीनी औरत है, मुझे फंसाना चाहती है। एंटी करप्शन ब्यूरो के पास जाएंगे। अब तो ये पैसे लेके ही मैं मानूंगा। भोटके सर, ये प्राची कपूर केस की क्या प्रोग्रेस है? प्राची कपूर बहुत ही पहुंची हुई चीज है सर, मुझे फंसाना चाहती है। मतलब? ये देखिए, करप्शन में फंसाने की कोशिश कर रही है मुझे। इस हद तक जाने की जरूरत नहीं है, अब देख लिया इसी का नतीजा। सर आपको तो पता नहीं कितनी शातिर औरत है ये, इसलिए थोड़ा खेल खेलना बहुत जरूरी था। पर सर मुझे लग रहा है कि ये हस्बैंड वाइफ मिलके कोई बड़ा स्कैम करने वाले हैं। भोटके सर, सबसे पहले अपने बैंक से कहो कि पैसा उनके अकाउंट में रिवर्स कर दें। सर बैंक मैनेजर से बात हो गई है, डिटेल्स भेज रहा है वो। सर सर आनंद कपूर का मोबाइल स्विच ऑन हुआ है, पिछले 2 घंटे से उसकी लोकेशन एक्टिव है सर। लोकेशन क्या? सर दिल्ली के पहाड़गंज की विला कॉर्जिंग होटल की। ओके
सर, हम लोग यहाँ होटल विला कॉर्सन पहुंच चुके हैं। फोन स्विच ऑफ है सर, दोनों यहीं कहीं अंदर होने चाहिए सर। जी सर, इधर। यस सर। यहाँ पर कोई आनंद कपूर या प्राची कपूर नाम से कोई कमरा बुक है क्या? एक सेकंड, मैं चेक करती हूँ। हाँ सर, चेक कीजिए प्लीज। नो सर, इस नाम से कोई कमरा बुक नहीं है। ये देखिए, इसे पहचानते हैं क्या? नो सर, इन्हें पहले कभी नहीं देखा। सर, दिल्ली पुलिस आनंद को पकड़ नहीं पाई। लेकिन सर, एक अजीब बात है, आनंद की मोबाइल की लोकेशन तो होटल में है, लेकिन होटल के रजिस्टर में आनंद की एंट्री नहीं, और नहीं वहां उसे कोई पहचानता है। राजे, ये पेज इस केस का मजा भी है और सजा भी। हेलो सर, मैं पीयूष महात्रे बोल रहा हूँ, आनंद कपूर का बिजनेस पार्टनर। बोलो महात्रे जी। सर, आनंद ने 50 लाख निकालकर एक कंपनी में नेफ्ट करने की कोशिश की है। क्या? लेकिन सर, हमने वो ट्रांजेक्शन रुकवा दिए हैं आपके कहे अनुसार। बट सर, एक बात और है, अभी तक थोड़ा थोड़ा करके आनंद इस अकाउंट में 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर चुका है। 2 करोड़? आपने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? सर, हमें भी अभी पता चला है, और वैसे भी 10-15 लाख के ट्रांजेक्शन होते रहते हैं, इसलिए इन पे इतना कोई गौर नहीं करता। अब एक काम करो, उस अकाउंट की डिटेल हमें भेजो। मैंने भेज दिया है सर, आप मेल चेक करें, एड्रेस SMS भी किया है। थैंक यू। राजे, चल जरा इस कंपनी की भी हिस्ट्री चेक करते हैं। सर, राजे, तुम श्योर हो ये वही कंपनी है? एड्रेस तो यही है। और भाई, 2 नंबर के CEO कहाँ है 2 करोड़? मैं समझा नहीं साहब। क्यों? तूने तो IT कंपनी खोल रखी है ना, करोड़ों का कारोबार है तेरा। हमारी कंपनी नहीं है साहब, हम तो बस यहाँ टेलरिंग का काम करते हैं साहब। तो फिर किसकी कंपनी है? साहब, धीरेन सर की कंपनी है। धीरेन? हाँ, ये जगह हमने भाड़े से ले रखी है साहब। यही है वो? हाँ साहब। कहाँ है? आज सुबह विदेश गए। विदेश कहाँ? पता नहीं साहब। ठीक है, आएगा तो हमें इन्फॉर्म कर। जी 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 साहब जी। राजा, मुझे लगता है ये टेलर ठीक बोल रहा है, दाल में कुछ काला है। एक काम करिस, कंप्यूटर लेके कुंडली निकाल। सर, पिछले 12 दिनों के सभी लिस्ट को स्कैन किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिलहाल मैंने उसकी फोटो सर्कुलेट कर दी। हाँ बोलो। ठीक है सर, इसका फोन भी एयरपोर्ट जाके स्विच ऑफ हुआ था, पर अब तक शुरू नहीं हुआ। यानी हमारे टारगेट को हमारे हर एक मोमेंट की खबर है, इसलिए वो सारे सबूत मिटा रहा है। ये किसी बड़े क्राइम सिंडिकेट का काम है या फिर कोई बड़ी साजिश, पर जो भी है, ये केस तो अभी 2 करोड़ ही सुलझाएगा। पुलिस के शक की सुई जिस पर भी घूमती वो गायब हो जाता था, या फिर दुनिया की नजरों में वो विदेश चला जाता था, लेकिन उसका कोई भी रिकॉर्ड इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में नहीं मिलता था। मोडस ऑपरेंडी किसी शातिर खिलाड़ी की ओर इशारा कर रही थी, और इसी दरमियान भोटके को एक और सरप्राइज मिला। खा रहे हैं, बताती हूँ। हाँ हाँ, कल मस्त बनाई तुम। ये मैंने नहीं, प्राची भाभी ने भेजा है। दुनिया में जब आए हैं तो मरना ही पड़ेगा, हंस के जहर का स्वाद चखना ही पड़ेगा। कहाँ जा रहे हैं अब? तूने मारी एंट्री और दिल में बजी घंटियां रे। चुप चुप चुप। तो खाना कैसे लगा? ये तूने हद पार कर दी। मेरे घर के खाने में जहर मिलाने की धमकी। लेकिन एक बात याद रखना, बिना तुझे सबक सिखाए मैं मरूंगा नहीं। लगता है जहर काम कर रहा। अगर मेरी वाइफ को कुछ हुआ ना तो काट दूंगा। What's wrong with you, Jay? इतनी रात को क्यों फोन कर रहे हो? तो इस लंगूर का नाम जय है। मेरे को लगा मुझे सब कुछ बता दिया इसने। कमाल है, तूने जो किया उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी तुझे। क्या मतलब? मतलब ये मेरी मैना के तुझे रात छुपाना आता है,
और मैं जीते जागते इंसान को ही राज बना देता हूँ। तो चंद्रिका लेक के पीछे वाले मैदान में जल्दी से आके मिल, वरना तेरे इस छावे को भी एक राज बना दूंगा। आखिर तुमने मुझसे मिलने का फैसला कर ही लिया। वेट, जय कहाँ है? साहब आराम फरमा रहे हैं हमेशा के लिए। अगर तू चाहती है तेरे लोग सलामत रहे तो डील 10 लाख में डन करते। और हाँ, मेरे खिलाफ जो तूने कंप्लेन की है ना, वो भी वापस ले, मैं तेरा पीछा छोड़ दूंगा। और याद रखना, दोबारा पुलिस स्टेशन मत जाना, वरना मेरी सटकी ना तो तेरा आशिक अकेले है ऊपर, तुझे भी उसी के पास पहुंचा दूंगा, समझी मेरी मैना? इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ जल्दी आइए। उस मोटा ने किसी को मार के गाड़ दिया, प्लीज यहाँ जल्दी आइए। तो कोई लाश नहीं है क्या मैडम? आपने तो बोला था इधर लाश है। पता नहीं होनी चाहिए थी। आपके साथ किसी ने मजाक किया है, घर जाइए। चला रहे। हाँ तो मिस्टर छावे, ओ सॉरी जय, राइट? कुछ मूड बना बताने का? डर गई? एक्चुअली तुझे अब तक तो मेरी आदत पड़ जानी चाहिए, नहीं? मैंने तेरे को मना किया था ना कि तू पुलिस स्टेशन नहीं जाएगी करके, हुँ? अब तक तो मैंने सोचा था तेरे छावे को छोड़ दूंगा, पर जिस तरह की तेरी हरकतें हैं ना, भाई कौन मरेगा मेरे हाथ से। दैट्स व्हाई अब कंपनसेशन की रकम जो है ना दुगनी, 20 लाख। और मैंने मना कर दिया तो? क्या बोला? अगर मैंने मना कर दिया तो? तो फिर तू भी जाएगी जेल अपने छावे जय के साथ, और वो भी अपने हस्बैंड के मर्डर केस में। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अच्छा तो फिर आनंद कपूर का फोन दिल्ली कैसे गया? कौन ले गया? मैं कि तेरा पप्पा? एक्चुअली तेरा छावा जय लेके गया, और वो भी फ्लाइट से। यकीन नहीं आ रहा है? मैं ही आनंद के घर से सुमेरू कैब लेके एयरपोर्ट गया था।
और वहां से दिल्ली। जय ने तो कबूल कर लिया कि तूने उसके साथ मिलके अपने हस्बैंड का मर्डर किया है, अब क्या करेगी? ये झूठ बोल रहा है, ये सब इसी का किया धरा है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ मेरे हस्बैंड का दोस्त है, और मेरे हस्बैंड का दोस्त होते हुए अगर वो इतनी घिनौनी हरकत कर सकता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। एग्जैक्टली, सजा तो मिलनी चाहिए। वाह रे आशिक, अबे तू किसे बचाने की कोशिश कर रहा है? उसे जो सारा इल्जाम तेरे सर पे डाल के 2 करोड़ अकेले लेके चंपत होने के चक्कर में, अपनी ये चालें बच्चों पे आजमाना, शायद फंस जाएंगे। अच्छा है, तेरा कॉन्फिडेंस अच्छा है, आई लाइक इट। एक काम करता हूं, तुझे एक मस्त वीडियो दिखाता हूं। ये झूठ बोल रहा है, ये सब इसी का किया था रहा है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ मेरे हस्बैंड का दोस्त है, और अगर उसका दोस्त होते हुए वो इतनी घिनौनी हरकत कर सकता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। सो अब क्या करेगा तू? तेरे सच्चे प्यार ने तो धोखा दे दिया भाई तुझे, और उसके चक्कर में तूने मर्डर भी कर दिया। अब तेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं तुझे मार दूं या फिर पुलिस तुझे फांसी दे देगी, कौन सा वाला ज्यादा अच्छा रहेगा? चल मोरे, चल बोल जावे, क्या खबर है? साबू प्राची अभी अभी घर से निकली है। ठीक है, उस पे से नजर मत हटाना। ठीक है सर। ये गाड़ी स्टार्ट कर दो। हाँ
तुम कहाँ का डर रही हो? पुलिस को हम पहले ही चकमा दे चुके। अरे तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते हो? तुम जल्दी चलाओ ना। ये कहाँ से आ गए यार? जल्दी भगाओ प्लीज। रह गए पीछे। क्या कर रहे हो? जय गाड़ी ठीक से चलाओ ना। आज इसको यहीं खत्म करता हूं। रोक चल। कॉलेज जी साहब। क्या है अंदर साहब? ये तो दो स्टेपनी है और ये बड़ी स्टेपनी है, इस गाड़ी की नहीं लग रही है। देखिए ले जाए पुलिस स्टेशन। जी खिलाड़ी अच्छे हो पर गेम गलत चुन लिया। सांप अगर डस के बिल में छुप जाए तो उसे बाहर निकालना हमें आता है और उसके जहर का इलाज भी हमारे पास होता है। अब तुम दोनों आनंद कपूर के बारे में मुझे बताओगे या मैं बताऊं? बताया तो था, वो अमेरिका में। बेवकूफ समझाया हमें? बस इस प्राची कपूर, इस खेल का पहला हिस्सा मुझे उसी दिन पता चल गया था जिस दिन तुम अपने ऑफिस के बाथरूम से घूंघट में निकली थी। बस हमारे पास सबूत नहीं था इसलिए मैंने तुम्हें स्टॉक किया, तुम्हारा पीछा किया और हमारे प्लान के मुताबिक तुम हमारे जाल में फंस गई और तुमने जय को कॉल किया। उस नंबर से हमें एक और चीज पता चली कि इस खेल का वजीर जय है। क्यों, आनंद कपूर का फोन लेके एयरपोर्ट तू ही गया था ना? मोरे ला दो लोगों। यही था? हाँ सर यही था। होसे यहां सिर्फ सच बोलना जाओ।
आगे मैं बताता हूँ। आनंद कपूर के घर से टैक्सी में तू एयरपोर्ट गया और फिर उस टैक्सी वाले को आनंद कपूर के कार्ड से ही पेमेंट की। आनंद कपूर का फोन और कार्ड तेरे पास कहां से आया? पता, आनंद कपूर का फोन और कार्ड तेरे पास कहां से आया? ये तो अभी शुरुआत है। जितना तुम दोनों ने हमें भगाया है ना, उतनी ही खाल उधेड़ी जाएगी तुम दोनों की। हम किसी का उधार नहीं रखते, क्या करें, पुलिस वाले हैं ना। पकना शुरू कर। अमृतसर और दिल्ली में तूने मोबाइल ऑन क्यों किया था? हमें गुमराह करने के लिए? नहीं, पैसे ट्रांसफर करने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के वक्त वन टाइम पासवर्ड उसी के मोबाइल पे आता था। और उस पैसे को तूने पुलिस के नाक के नीचे छुपा दिया। तुझे लगा हमें पता नहीं चलेगा, राइट? सावंत, स्टेप नहीं ला। गाड़ी से दिखाई से। फेक डेथ सर्टिफिकेट, डीएनए मैचिंग रिपोर्ट। पता क्यों मारा अपने पति को? बोल क्यों? हमने घबराहट में आकर आनंद को मार दिया था। बस उसकी लाश ठिकाने लगाना बाकी था। और खतरा बहुत था, इसलिए मैं प्रिंटिंग शॉप में गया। भाई साहब, शूटिंग के लिए एक वोटर आईडी और डेथ सर्टिफिकेट बनाना है। अब बन जाएगा। ये फोटो है। ले लीजिए। फेक डॉक्यूमेंट्स तो बना लिए थे, बस अब आनंद कपूर की लाश को ठिकाने लगाना बाकी था। अंदर वो मेरे भाई की डेड बॉडी है और ये उसके डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिए। डेड बॉडी है साहब। हाँ ठीक है, जान दे। थैंक यू। और फिर हम शमशान पहुंचे और वहां मैंने आनंद की चिता को अग्नि दी। और वहां तुम लोगों ने एक ही गलती कर दी, अस्थियां छोड़ दी है, जिसे हमने आनंद के मॉमडैड के डीएनए से मैच किया और वो मैच हो गया। बाय द वे प्राची, यू आर राइट। तुम्हारी फ्रेंड जयंती को मैंने ही उठवाया था क्योंकि उससे तुम्हारी पर्सनल डिटेल्स निकलवानी थी और उसके साथ तुमने जो मुझे देखा था ना, वो एक्चुअली तुमने देखा नहीं था, हमने तुमको दिखाया था। और मेरा सस्पेंड किया जाना भी सिर्फ एक दिखावा था। बोटके सर, यू आर सस्पेंडेड। व्हाट? बताओ, अब
अपने पति को क्यों मारा? हम दोनों बचपन से एक दूसरे से प्यार करते थे, पर मेरे मॉम डैड ने हमें अलग कर दिया और मेरी शादी जबरदस्ती आनंद से करा दी, क्योंकि आनंद पैसे वाला था और जय बेरोजगार। शादी के बाद भी हम दोनों चुप के मिलते रहे, लेकिन उस दिन आनंद ने हमें एक साथ देख लिया। मेरे घर को कोठा बना लिया है और प्राची तुम आनंद मेरी बीवी के साथ ये ऐसी करता है। रुक तुझे रुक, अभी बताता हूं मैं। सारे इसके लिए तुमने अपने पति को मार दिया, इतना घिनौना काम किया। अरे अगर तुम इससे प्यार करती थी तो शादी आनंद से क्यों की? कम से कम एक बेकसूर की जान तो बच जाती। प्राची और जय के इस घिनौने अपराध से शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ की वो पंक्तियां याद आती हैं, स्लीप नो मोर, मैकबेथ इज मर्डरिंग स्लीप। शेक्सपियर के नाटक का दबंग किरदार भी कत्ल करने के बाद सो नहीं पाता। जुर्म करते वक्त मुजरिम ये क्यों भूल जाता है कि किसी का भी कत्ल करने से पहले वो अपनी नींद, अपनी खुशियों, अपने सुकून का कत्ल कर रहा है, और फिर उसे गुनाह को छुपाने के लिए वो एक के बाद एक कई और गुनाह करता चला जाता है। तो भूल कर भी ऐसी भूल कभी ना करें, क्योंकि जुर्म आपकी किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन बन ही नहीं सकता। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।